हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे कौन न्यू वीडियो में। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है अंकल जी के घर पे, जो कि दोस्तों अंकल जी के पास पहाड़ी रित्तु होता है, जो कि अंकल जी भी देखिए आए ड्यूटी से और ये तोता खोल रही है। देखिए तोता को अंकल जी खोल रहे, जो कि इसके रूम के अंदर आज़ाद करने जा रहे हैं, जो कि तोता ये इनका दिन भर इसी के अंदर खुला रहता है। अभी अंकल जी आए तो ये अभी ड्यूटी से आए तो खोल रहे तोता को। ये देखिए गेट को खोल रहे, अपने आप आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए कैसे आएगा दोस्तों। आ रहा है, आ जा। ये देखिए दोस्तों आने की कोशिश कर रहे हैं, अंकल जी डर रहे हैं, लेकिन आएगा जरूर, पकड़ेगा इसको। ये देखो दोस्तों खुल गया, ये देखो कहाँ गया। ये देखिए दोस्तों ये अभी भूखा है, बहुत भुट्टा खा रहा है। ये देखिए दोस्तों अभी भुट्टा खा रहा है, ये मकई जो होता है वो खा रहा है। ये देखिए भूखा है दोस्तों, सुबह से कुछ नहीं मिला था इसको खाने के लिए, जो कि अंकल जी ताला बंद करके चले जाते हैं ड्यूटी। ये देखिए दोस्तों खा रहा है। ये देखिए मिट्टू, ये देखो उड़ के गया वहां पे। और हाँ दोस्तों, बहुत लोग पूछ रहे थे जो कि ये तोता अंकल जी कब लाए थे और ये कितना के लाए थे खरीद कर। मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ जो कि अंकल जी ये पहाड़ी तोता कहाँ से लाए थे, कितना के खरीद के लाए थे, कब लाए थे। पूरा डिटेल्स में अंकल जी से मैं जानने की कोशिश करूँगा और सब बताऊँगा। ये देखिए दोस्तों अंकल जी का ये पहाड़ी तोता है। ये देखिए अभी आज़ाद किया, अंकल जी खूब खेल रहा है मिट्टू। ये देखो अभी इसको छोड़ देता हूँ, खाने देता हूँ, बाकी इसका ये पिंजरा है और ये अंकल जी है, उसको खाने के लिए छोड़ देता हूँ। बाकी अंकल जी से हम पूछते हैं अंकल जी कहाँ से लाए थे और कितना दिन हुआ इसको लाए हुए। तो अंकल जी ये जो आपका पहाड़ी तोता है ये कितना दिन हो गया इसका लाए हुए? एक महीना हो गया। एक महीना से ज्यादा हो गया? हो गया। एक महीना तो हो ही गया, क्योंकि एक महीना मेरा हो गया गाँव जाने। तो दोस्तों अंकल जी का पहाड़ी तोता एक महीना हो गया हुआ लाए हुए, एक महीना हो गया है। और ये कहाँ से लाए थे ये भी बता दीजिए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कमेंट करके। जामा मस्जिद से लाए। तो दोस्तों ये लाए थे अंकल जी जामा मस्जिद से, जो कि लाल किला के सामने जामा मस्जिद है, वहाँ पे पूरा मार्केट है, बर्ड्स मार्केट, वहीं से लाए थे। अब सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं जो कि तोता अंकल जी कितना खरीद के लाए हैं, कितना के वहाँ पे मिल जाता है तोता। बहुत लोग ये कमेंट में पूछते हैं। तो अंकल जी जो आप ये अपना पहाड़ी तोता लाए हैं कितना रुपये का खरीद के लाए हैं? दाम तो है 1500 रुपया। हाँ मतलब लाए हैं भाई 1000 रुपया। ऐसे तो 1500-2000 बोलते हैं वहाँ पे ना। तो दोस्तों अंकल जी बोल रहे हैं वहाँ पे 1500 का दाम है, जैसे कि वहाँ पे बोलते हैं 1500-2000 रुपये ऐसे बोलते हैं, लेकिन रियल में ये लाए 1000 रुपया के, मोल भाव करके 1000 रुपया में लाए ना। तो दोस्तों अंकल जी 1000 रुपया में ये पहाड़ी तोता लाए। देखिए आपको मैं पूरा क्लियर बता दिया हूँ। और आप जंगली तोता लेते हैं तो आपको 400 रुपया में एक मिलता है ना, 800 रुपये में दो को जोड़ा मिल जाएगा, 400 रुपये में एक मिलेगा आपको जंगली तोता, जो कि अंकल जी लाए पहाड़ी। पहले इनके पास जंगली तोता था लेकिन वो अंकल जी बेच दिए क्योंकि बोलता नहीं था, और ये जो है पहाड़ी तोता एक महीना हुआ लाए हुए, थोड़ा बहुत बोलता है, कुछ दिन से तो बोलता है ना, और ये हाथ पे भी खेलता है, धीरे धीरे आना शुरू कर रहा है, जो कि अच्छा भी लगता है, हम लोग के साथ खेलता रहता है, रूम में रहता है, अच्छा लगता है। अभी देखिए वहाँ पे खा रहा है कोना में, ये देखिए देखिए भूखा है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं मिला था इसीलिए। तो आपको सब चीज़ बता ही दिया हूँ, और जिन भाई को लेना है कुछ भी जंगली तोता या पहाड़ी तोता, तो आप जाइए जामा मस्जिद या लाल किला जाइए, वहीं पे आपको बर्ड्स मार्केट लगता है। आपको वहाँ पे पता नहीं है दुकान कहाँ पर है, तो आप जामा मस्जिद जाइए और वहाँ पे किसी से भी पूछिए बर्ड्स मार्केट कहाँ पर है, जो कि तोता वोता कहाँ पे मिलता है, तो वहाँ पे किसी से भी पूछिएगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बता देंगे आपको और एड्रेस दे देंगे, क्योंकि वहीं पे लगता है मार्केट, वहीं पे दुकान रहता है, तो वहाँ पे आप जाकर ले सकते हैं। और एक बात और है दोस्तों, क्योंकि आप जाते हैं तोता लाने, आप तोता लाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेट ज़्यादा बोलते हैं, जैसे कि 400 का तोता है, एक तोता 400 का है, तो वहाँ पे बोलेंगे आपको 800-900 रुपया के बोलेंगे, तो आप कम करा के कीजिए, जितना आप मोल भाव कीजिएगा उतना आपका फायदा रहेगा, और मोल भाव नहीं कीजिएगा तो आप घाटा में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा बोलते हैं और देते हैं सस्ता में, क्योंकि आप लोग मोल भाव करा लेंगे तभी सस्ता मिलेगा, ऐसे नहीं करेंगे तो आप ठग जाएंगे। जो कि अंकल जी लाए 1000 रुपया में मोल भाव करके, उसी आ रहे हैं अंकल जी, और अभी एक तोता और सोच रहे हैं अंकल जी लाने के लिए, ये तो मेल है, और फीमेल लाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि अभी दिवाली आ रहा है दोस्तों, दिवाली में 2-3 दिन टाइम है, दिवाली बाद लाएंगे है ना अंकल जी, तो फीमेल लाएंगे, वो भी जंगली तोता नहीं लाएंगे, पहाड़ी तोता लाएंगे,
और दोनों एक साथ रहेगा अच्छा भी लगेगा, जोड़ा रहेगा और मन भी रहता है, तो दो जोड़ा रहता है तो अच्छा लगता है, एक जोड़ा जो कि दो साथ में रहते हैं। अंकल जी का भी मन लगता है, अंकल जी बहुत दिनों से पालते आ रहे हैं, एक साल से ज़्यादा ही हो गया, एक साल नहीं 2 साल हो गया, हम उस बिल्डिंग में थे तो पाल नहीं रहते हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गया अंकल जी पाल रहे। लेकिन अंकल जी क्या करते हैं, दूसरा जो तोता नहीं बोलता है उसको बेच देते हैं, जो बोलता है तोता है उसी को अंकल जी रखते हैं, जो नहीं बोलता है उसको अंकल जी बेच देते हैं। तभी अंकल जी पहाड़ी तोता लाए हैं तो ये थोड़ा बहुत बोल रहा है और इसको रखे हैं, और नहीं बोलेगा तो इसको भी आजाद, इसको भी बेच देंगे। नहीं नहीं उसको नहीं बेचेंगे। देखो अंकल जी बोले इसको नहीं बेचेंगे, बढ़िया तोता मिला है, पहाड़ी तोता है। और देखिए वहाँ पे अंकल जी का तोता खा रहा है, भूखा है, ये देखिए वहाँ पे अंकल जी का तोता है खा रहा है। और ये अंकल जी का पिंजरा देखिए कितना अच्छा है, जो कि अंकल जी ये अपने हाथ से खुद से रंगे थे, जो कि ये खरीद के लाए थे पिंजरा को, और पेंट अपने हाथ से किए, येलो कलर का किए हैं कलर, ये देखिए। और बाकी ये अंकल जी का घर है छोटा सा, सिर्फ अंकल जी अकेले रहते हैं, इनका परिवार पूरा गांव में रहते हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अंकल जी खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, और ये सुबह चले जाते हैं ड्यूटी, फिर शाम को आते हैं, और तोता दिन भर इसी कमरे में बंद रहता है, ये देखो दोस्तों खा रहा है वहाँ पे, ये देखिए। सो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अरे भाई डर गए, डर गए। वो भाई कौन को अच्छा कर रहे हैं जी, उनको जो है ना ये काम कर रहे हैं।